कानपुर प्लास्टिक कारखाने में भीषण आग लग गई है। आग का रूप इतना विकराल है कि इसको देखकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें फर्नीचर कारखाने में आग लगी और घर की चपेट में कई घर भी आ गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक कारखाने में आग लगी है। आग का रूप इतना विकराल है कि उसे देखकर उस आग के लपटों को देखकर वहां की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। थाना जूही के परमपुरवा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर है, कानपुर प्लास्टिक कारखाने में आग लगी है। आग का विकराल रूप देखकर क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्नीचर कारखाने और घर आग की चपेट में आ गए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आग इतनी बड़ी है कि फर्नीचर कारखाने और घर भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगातार जुटी हुई है और उसकी जद्दोजहद आग को बुझाने में जारी है। आपको बता दें थाना जूही के परमपुरवा इलाके की घटना बताई जा रही है। आग का विकराल रूप देखकर वहां के लोग भी, तो हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो नीरज, जिस तरीके से आग की खबर कानपुर से आ रही है, तो आग लगने के कारणों का कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए, आप बता दूं कि साफ तौर पे अभी ये चीजें नहीं पता चल पाई कि आग किस तरीके से लगी, क्योंकि प्लास्टिक का काम होता था यहाँ पे, तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी चिंगारी से ही आग ने ये रूप लिया, उसके बाद विकराल हो गई, जिसके बाद उसे न सिर्फ कारखाने को प्लास्टिक की बोरी के बल्कि आसपास के जो एक घर है उसको, एक फर्नीचर के कारखाने को भी चपेट में ले गया। एहतियात के तौर पर चूंकि घनी बस्ती है, तमाम लोगों को घरों से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। नीरज, जिस प्रकार से आग का विकराल रूप हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो आग है लगातार अपना आकार बढ़ाती जा रही है, तो क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर है अभी तक? नहीं, इस तरीके की कोई भी खबर नहीं, क्योंकि घनी बस्ती है, तो उसको देखते हुए पुलिस और दमकल कर्मियों ने लोगों को अपने घरों के बाहर निकाल दिया था ताकि किसी तरीके की कोई चीजें या दुर्घटना सामने ना आए। इसको लेके लगातार जो दमकल कर्मी है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी नीरज, जिस प्रकार से आग को देखा गया, तो आग पहले एक प्लास्टिक के कारखाने में लगी थी, अब आप कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक का कारखाना है वो एक घनी बस्ती में था, तो आग कहां कब लगी और इसका जो आकार जब लगा था तब और अब कितना बढ़ चुका है? देखिए, चूंकि घनी बस्ती है, वहां पर जो घर है और जो ये कारखाना था सब आस पास ही है, तो जैसे ही प्लास्टिक के कारखाने में आग लगी थी, उसके बाद चूंकि प्लास्टिक है तो देखते ही देखते उसने बड़ा रूप धारण कर लिया। उसके बाद जो उसके बगल में एक फर्नीचर का कारखाना था उसको भी चपेट में लिया, एक घर था उसमें भी कुछ हिस्से में आग पहुंची, तो वो लोग बाहर आ गए और अब लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं, आग को बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। जी नीरज, वहीं जिस प्रकार से ये घनी बस्ती के अंदर फैक्ट्रियां हैं जहां पहले एक प्लास्टिक कारखाने में आग लगी, उसके बाद ये फर्नीचर कारखाने तक आग पहुंच गई, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों कहां है, प्रशासनिक अधिकारी कहां पर है, क्योंकि ऐसे बस्तियों में कारखाने चलाने की अनुमति कैसे मिल जाती है लोगों को? देखिए अभिषेक, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और चीजों को लेकर आवाज उठाई जाती है तो अधिकारी जो है कुछ दिन के लिए एक्शन में आते हैं, उसके बाद फिर चूंकि मिली भगत से ये सब चलता है इसको लेके, तो वो फिर से वही धर्रा अपनाते हैं और फिर चलता रहता है। जब कोई घटना सामने आती है तो उसके बाद फिर वो एक्शन में दिखाई देते हैं। दिनेश, इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी का कुछ कहना है, किसी अधिकारी ने अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी है? देखिए, अभी लगातार जो अधिकारी हैं वो आग को किस तरह काबू पाया जाए उसके प्रयास में लगे हैं, इसके बाद वो इन चीजों के बारे में बताएंगे, अभी इन चीजों के बारे में बातचीत नहीं हो पाई। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।